फुल यूज हो जिद हो रहा है पर यू डोंट गो। ये इधर पुलिस वाला खड़ा है, इधर अंधेरा हो गया, थोड़ा लाइट भी चल रही है, पूरा रास्ते बंद है, ना जा सकते ना आ सकते हो। ये पुलिस वाला खड़ा इधर जी, बिल्कुल लड़ाई हो रही है, औरतें नहीं मान रही यहाँ पर। यूज यूज लाठी चार्ज होने वाला है यहाँ पर। तो भाई लोगों हम उतर चुके बीच रास्ते पर, फिलहाल फ्लैश लाइट लगा रखी है मैंने, आगे कोई रास्ता नहीं है वैसे, इधर ये हाईवे है यहाँ पर, और चल के जा रहे हैं हम वापिस 2 किलोमीटर पीछे की साइड में, क्योंकि आगे एक पेट्रोल पंप था तो हम वहीं रुकेंगे। आगे अलीगढ़ है और प्रॉपर वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ रुकना सेफ नहीं हमारे लिए। तो भाई लगो हमको लिफ्ट मिल चुकी है, अभी से एक लंबी लिफ्ट मिली है इस तरह के अंदर, लाइक ये कैंपर है पूरे पीछे वाला, ये भाई साथ में, और ये पूरी गाड़ी, ये गाड़ी है अपने जहाँ पर सुअर लेके जाते हैं ना, गाड़ी सुअर मतलब लेने जा रहे ना, ये सुअर लेने जा रहे हैं भूटान साइड, भूटान बॉर्डर के पास पास। तो देखते अपन को आज कहाँ तक छोड़ते अपन को, यहाँ खुला भी है एकदम, गद्दा भी है, सुअर सोएंगे यहाँ पर, अपन भी सो जाएंगे आज, और देखते अपन कहाँ तक पहुँचते हैं। फिलहाल मेरा चश्मा टूट चुका है, चश्मा मेरा लाइक ये पकड़ उसको, ये डंडी स्केच निकल गई है, चश्मा ये रहा, और ये मैंने पहले चिपका रखा था इसको फेविक से, अब इसको अभी फेविक से यहाँ चिपकाऊंगा, फिर इसको यहाँ चिपकाऊंगा, फिर इसको मैं यहाँ डालूंगा। ऐसे अच्छा तो ये डायरेक्ट ऐसे ना, सुन ऐसे आँख पे चिपका लेना, ऐसे दोनों दोनों निकाल के। हाँ नाइस आइडिया। तो भाई लगा फिलहाल अभी हम उतर चुके हैं यहाँ पर, मतलब जियो के पेट्रोल पंप पे। ये भैया जी नाम क्या आपका? मेरा नाम दुलाल दास है। दुलाल दास, इन्होंने हमको इस गाड़ी में छोड़ा था। एक और ये नाम क्या आपका? मेरा नाम है मुन्ना हाजरिका। मुन्ना भाई, इन दोनों ने हमको यहाँ तक लिफ्ट दी, अब अपन चलते हैं यहाँ से, अभी 100 किलोमीटर दूर है जयगांव जो भूटान बॉर्डर है, तो अब देखते हैं अपन पहुँचते नहीं पहुँचते आज शाम तक। शाम की बज गई है 5:30। अच्छे से उठो फोटो। तो भाई लोगों अरुणाचल प्रदेश हमारा टूर हो गया, असम लगभग होने वाला है, और इन दोनों राज्यों में जितने भी लोगों ने हमारी हेल्प की और जितने भी लोगों ने हमको सपोर्ट किया, खाना खिलाया, घर पर रखा, लिफ्ट दी हिचाइकिंग के लिए, सभी को तहे दिल से हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अपन यहाँ से फिलहाल भूटान जा रहे हैं, और भूटान के बाद अपन वापिस नॉर्थ ईस्ट नहीं आएंगे, अपन उधर से वापिस उधर राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, मतलब समझ रहे हो, हिंट दे रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो उधर जाने का प्लान हमारा। फिलहाल हमने पंप किया पर मुँह धो लिया, और अब अभी हम यहाँ पे एक ढाबा हो सकता है ऐसा, तो खाना नहीं खाया सुबह से हमने, सुबह से बिस्किट खाया था और एक केली खाई थी, एक चाय पी थी, और शाम की 6 बजने वाली है, 6:30 बज रही है, तो भूख तो लगी रही होगी हमको, देखते कुछ मिल जाए ऐसा खाने के लिए। ईसा रुक गया भाई ने, तो भैया गाड़ी रुकी है यहाँ पर, भाई जा रहे दौड़ कर बात करने के लिए। शाम हो चुकी है, शाम की 6 बजने वाली मतलब, और हम सोच रहे हम यही रात रुक जाते हैं क्योंकि आगे वेस्ट बंगाल पड़ता है और वो सेफ नहीं है, तो देखते हैं अपन कहाँ जा रहे हैं। नहीं मिलेगा भाई वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे हालत है, ये औरतों ने रास्ता रोक दिया यहाँ पर, पूरा रास्ता रोक दिया, लगते लगे बैठ गई है यहाँ पर, जान नहीं दे रही है, ये गाड़ी बंद हो गई हमारी है। इसलिए इस भाई को बोल रहा था मैं कि वेस्ट बंगाल में अपन नाइट नहीं रुकते, फिर भी नहीं माना, बोला आगे चलते हैं, आगे देख लो, रास्ते से बंद हो गए, ये हालत है यहाँ पर, अब देखते जाएगा शाम होगी, अंधेरा बनने वाला है यहाँ पर, 6:30 बज चुकी है,
यहाँ पर जल्दी होगा, नॉर्थ ईस्ट साइड में सनसेट जल्दी होता है, तो आई होप आधे घंटे में अंदर हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे तो इलाका है नहीं। तो भैया हालत है यहाँ पर, पता नहीं क्या हुआ है, क्यों बंद कराए, क्या हुआ है? ये दारू की वजह से, दारू का दुकान खोला इधर भी। अच्छा, दारू की दुकान खोल रखी है। तो भाई सीने से आया कि यहाँ पर ये जो औरतें खिलाफ है, ये है अपने दारू के ठेके के लिए। यहाँ पर वाइट शॉप लगा दी है ऑन मेन रोड पर, तो औरतें बोल रही है कि हमारे जो हस्बैंड है दारू पीकर यहाँ पर धांधली करते हैं, तो आपने यहाँ पर पुलिस के खिलाफ और पूरा रास्ता बंद कर दिया है, पूरा हाईवे लग गया है लास्ट तक पीछे की साइड तक। और यहाँ पर यहाँ पर है दारू का ठेका वाइन शॉप किंग फिशर, पूरा तोड़ फोड़ दिया है और औरतें यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब आंदोलन कर रही है मेरी भाषा में। अब ये आपको ठेका हटेगा तो हम आगे जाएंगे और हम बेहद बड़े वो इस ट्रक के अंदर, अब देखते हैं अपन कब तक पहुंचते हैं। अलग ही सीन हो गया यहाँ पर, तो पूरा धाम धीम यूज फुल यूज यूज युद्ध हो रहा है यहाँ पर। We don't go। ये इधर पुलिस वाला खड़ा है, इधर अंदर हो गया, थोड़ा लाइट भी चल रही है, पूरा रास्ते बंद है, ना जा सकते ना आ सकते हो। ये पुलिस वाला खड़ा इधर जी बड़ी दारू की बोतलें बोतलें सब फेंक दी, इधर फूल लड़ाई हो रही है, औरतें नहीं मान रही यहाँ पर। यूज यूज लाठी चार्ज होने वाला है यहाँ पर, ये दारू का ठेका है और पूरा इस पर हमला कर दिया गया है। ये कूल है भैया। तो भाई आखिरकार औरतों की जीत हुई, चलते हैं बाय। यू 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 तो भाई लोगों हम उतर चुके बीच रास्ते पर, फिलहाल फ्लैश लाइट लगा रखी मैंने, आगे कोई रास्ता नहीं है वैसे, इधर ये हाईवे है यहाँ पर, और चल के जा रहे हैं हम वापिस 2 किलोमीटर पीछे की साइड में, क्योंकि आगे एक बेडरूम था तो हम वहीं रुकेंगे। आगे अलीगढ़ है और प्रॉपर वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ रुकना सेफ नहीं हमारे लिए। अभी आपने देखा, एक डेमो देखा होगा आपने, पूरा महिला आंदोलन कर रही थी, खैर वो सही कर रही थी, छोटे कर रही थी, क्योंकि दारू बंद करने के लिए कर रही थी वो। तो चलते अपन 2 किलोमीटर चल के चलते आगे, वहाँ सोने का जुगाड़ करते अपन आज का। आई होप खाना मिल जाए और अच्छी जगह मिल जाए सोने के लिए, बाकी टेंट तो हमारे पास यही है, वो खाना सुबह से नहीं खाया अभी तक। ये है जिंदगी, हिचहाइकर यूज यूज। तो भाई 2 किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं एक पंजाबी ढाबे के ऊपर, यह हमारे खाने का जुगाड़ हो जाएगा, अब बस इनको मना कर हमको सोने की व्यवस्था करनी है। आई होप मान जाए और अच्छी नींद निकाल पाए, क्योंकि कल रात मेरे को, आज रात मतलब मैं 4 घंटे सोया था, 12 बजे सोए थे हम, और सुबह 4 बजे सरदार जी ने उठा दिया था हमको गुवाहाटी गुरुद्वारा के अंदर। चलते अंदर बात करते हैं। तो भाई ये हमारा आज का खाना लाइक दिस, ये सब्जी बताने की सीखी है, ये आलू फ्राई, ये सब्जी रोटी है। तो दोस्तों अभी अपन इस ढाबे के ऊपर आज नाइट स्टे करेंगे, ये हमारा खाना हो गया और मिलता अपन सुबह मॉर्निंग में, और कल आप घूमेंगे भूटान, जो हमारी सेकंड कंट्री पहले हो चुकी है पर वापस होगी। पहले हम गए थे अलग बॉर्डर से, आसाम बॉर्डर से गए थे, अब अपन जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर से, जयगांव होकर जा रहे हैं अपन, मिलता अपन कल सुबह।